नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट मनी खास शो जिसमें होगी आज की तैयारी। जी हां, आज के सत्र को खास बनाएंगे 20 दमदार स्टॉक्स के साथ। 20 दमदार सौदे जो आपके पोर्टफोलियो में अगर आज हो तो कमाई के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं सुमित। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय संकेत देखें तो एक डर पैदा हो गया, जिस तरीके से तुर्की की करेंसी टूटती हुई नजर आई उसके कारण ग्लोबल बाजारों में ही एकदम से नर्वसनेस है। इंडियन मार्केट के इनफैक्ट जो एडियाज लिस्टेड है यूएस में वहां पर भी गिरावट ही देखने को मिली थी, तो बहुत बड़ा कंसर्न समझ सकते हैं। देखिए, इंडियन मार्केट के लिए बाकी ट्रिगर तो खत्म हो चुके हैं, तो छोटा हफ्ता है वैसे ही ये वाला, और दूसरा रिजल्ट्स का ट्रिगर खत्म, मानसून सेशन जो चल रहा था उसका ट्रिगर भी खत्म। तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट की तो उम्मीद है नहीं एज ऑफ नाउ। तो जो ट्रिगर आया है इसी में मार्केट शायद प्ले करना शुरू करेगा, और ये ट्रिगर आपने बिल्कुल सही बोला अभी कि शायद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत वो थोड़े से आज इंपैक्ट करते हुए दिखाई पड़े मार्केट्स के ऊपर। शायद ऐसे निफ्टी में देखने को मिल भी रहा है, करीब करीब 30-40 पॉइंट नीचे शुरुआती कारोबार में वो देखने को भी मिल रही है। लेकिन हाँ, अभी भी जो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ है, जो ट्रिगर हैं, जो बाकी खबरें हैं, जो बचे हुए नतीजे हैं, उनका असर जरूर बाजार पर देखने को मिलेगा। चलिए ये बता दूँ आपको कि 15% की गिरावट रही शुक्रवार को, सबसे ज़्यादा गिरावट लीरा में, और एक साल में अगर आप देखें तो तुर्की की करेंसी लगभग 40% टूट गई है। तो ये एक ट्रिगर है जो इस समय मार्केट्स को नर्वस कर रहा है। हो सकता है निचले स्तरों से कुछ खरीदारी हो जाए, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में पिछले कुछ दिनों में बेट पॉजिटिव ही लग रही है। लेकिन आज जो कंडीशन है उस आधार पर तमाम मार्केट्स लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। यूएस मार्केट्स की अगर क्लोजिंग देखें तो वहां पर भी 196 अंक डाउ जोन्स नीचे था, 52 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही थी नैसडैक में, और फिलहाल यहां पर देखें तो एसडीएक्स निफ्टी लगभग 50 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। तो तमाम जो ट्रिगर्स हैं वो यहां पर गिरावट के संकेत दे रहे हैं। लेकिन एशियन मार्केट्स की शुरुआत कैसी हुई है सुमित, अगर वो आप बता पाएं तो, जिस तरीके से गिरावट है तो हैंगसेंग में मेरे को लग रहा है सबसे ज्यादा गिरावट देखने को। इनफैक्ट ज़्यादातर सभी मार्केट्स के अंदर रजत जो है वो गिरावट ही देखने को मिल रही है। करीब करीब निकेई 1.5% नीचे है, शंघाई भी 0.25% नीचे कामकाज कर रहा है, हैंगसेंग पूरे 2% नीचे कामकाज करते हुए करीब 500 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी एशियन मार्केट्स के ऊपर नजर डालें तो ताइवान और कोस्पी के बाजार भी करीब करीब 1-1.5% नीचे कामकाज करते हुए। एसएक्स निफ्टी में भी शुरुआती कारोबार में करीब 30-40 अंकों के आसपास गिरावट थी, वो अभी भी प्रिवेल कर रही है। अभी भी जो गिरावट है एसएक्स निफ्टी में वो करीब करीब 63 अंकों की 64 अंकों की हो चुकी है, यानी जो और गिरावट गहराई है। पहले ये करीब 30-40 अंकों से शुरुआत हुई थी और अब 65 अंकों की गिरावट साथ 11,368 के स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं। चलिए, इन सभी ट्रिगर्स के साथ और बाजार के संकेतों के साथ अब शुरुआत कर लेते हैं फास्ट मनी की, और शुरुआत कर लेते हैं कुछ खरीदारी और बिकवाली कॉल्स की। मेरी तरफ से करीब 9 शेयर अभी भी खरीदारी के लिए, लेकिन सभी शेयर जो है वो नतीजों के ट्रिगर पर लिए, कि आखिरी अब सेशन है जो कि रिजल्ट्स का आ रहा है, तो इसी लिहाज से हमने नतीजों के लिहाज से ज़्यादा कंपनियाँ ली हैं। पहला नाम जो है वो है गॉडफ्रे फिलिप्स का, ये सिगरेट कारोबार के अंदर कंपनी है, सिगरेट कन्फेक्शनरी बिजनेस है कंपनी का। इस कंपनी के जो नंबर्स हैं वो घाटे से मुनाफे के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है। सालाना आधार पर, सिक्वेंशियल आधार पर भी कंपनी का जो मुनाफा है वो करीब करीब 40% की एक बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी है तिमाही आधार पर। तो सालाना आधार पर कंपनी घाटे से मुनाफे में, और तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा 40% बढ़ा है। 860 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 825 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 836-837 शेयर का पीवीएस का भाव है। और दूसरा नाम जो है वो सीमेंट स्पेस से है, डालमिया भारत को चुना है। कंपनी के नंबर्स में भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है, मुनाफा अच्छा बढ़ा है कंपनी का, और मार्जिन में करीब करीब 5% का एक जंप आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स डालमिया भारत की तरफ से आए हैं, हो सकता है आज एक अच्छी तेजी देखने को मिले। करीब करीब 2750 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 2625 से स्टॉप लॉस रखें, 2660 शेयर का पीवीएस का भाव है। चलिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एडीआर कमजोर थे, पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स जिसको बेचकर चल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एडीआर जो लगभग 3% का गोता लगा गया शुक्रवार के सत्र में, और घरेलू बाजार में भी 3% की गिरावट थी। आज कमजोर हुआ तो अगला टारगेट बैठेगा 235 के आसपास, 235 पहला टारगेट रखें, उसके बाद 225 के रेंज के लिए आप बेचकर चल सकते हैं, लेकिन 260 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। एक हफ्ते में जैसे मैंने कहा कि तुर्की करेंसी में बहुत भारी बिकवाली हुई, उसका इंपैक्ट आज ग्लोबल मार्केट्स पे देखने को मिल रहा है। खरीदना है तो एक स्टॉक है रैम की इंफ्रा, जिसको खरीदारी करके चल सकते हैं। केकेआर की सब्सिडी में हिस्सा खरीद की खबरें हैं, आज हो सकता है एक बड़ी घोषणा कंपनी करती हुई नजर आए, और कुल मिलाकर 53 करोड़ US डॉलर में ये जो सौदा है ये होने का अनुमान है। तो हो सकता है कि रैम की इंफ्रा के लिए आज एक बड़ा दिन हो। 177 से 178 ये पहला टारगेट रखें, उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें। शुक्रवार को 3% कमजोर था ये स्टॉक, लेकिन 164 की अगर आप एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके हिसाब से ठीक बैठेगा। 177 पहला टारगेट है, उसके बाद आपको अपने स्टॉप लॉसेस को रैम के इंफ्रा पे ट्रेल करना होगा।
मेरी तरफ से अगला नाम है वो है आईओसी का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। चुनने की वजह है कंपनी के नंबर्स हैं वो अनुमान से बेहतर आते हुए दिखाई पड़े हैं। इनफैक्ट कंपनी की जो ऑपरेटिंग इनकम है वो भी करीब करीब 3 गुना बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है और कंपनी की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है मार्जिन वाइज या जीआरएम वाइज वहाँ पर भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा है। खरीदारी कर सकते हैं 176 रुपये के टारगेट के लिए, 163 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 166-167 शेयर का यूएसए का भाव है। और उसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टायर स्पेस की कंपनी है, वैसे भी इस पूरे स्पेस के नंबर्स अच्छे देखने को मिले इस तिमाही में। जो मुनाफा है वो इस तिमाही के अंदर डबल हुआ है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का और मार्जिन भी करीब करीब 5% बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर दिए हैं, शेयर भी दिन के ऊपरी स्तर बंद हुआ, लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक के बाद डे हाई के करीब ये शेयर बंद होता दिखाई पड़ा। अच्छे सेट ऑफ नंबर कंपनी दिए हैं, करीब 1320 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 1240 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। चलिए अगला स्टॉक होगा अशोक लेलैंड। ये स्टॉक निचले सिरों से खरीदारी स्टॉक में देखने को मिली और खबर यहाँ पर बाजार बंद होने के बाद ये आई कि 31 बसों के लिए इनकी एक सब्सिडरी है उसको ऑर्डर मिल गया है। एक अच्छी खबर है, डबल डेकर बस के लिए सब्सिडरी को ऑर्डर मिला है, हो सकता है आज निचले सिरों से खरीदारी अशोक लेलैंड पर देखने को मिले। टारगेट्स यहाँ पर 134 से 136 के रेंज पर रखने होंगे और स्टॉप लॉस आपको 126 के आसपास लगाना होगा। तेजी तभी बनाएं जब 127-128 के ऊपर आके स्टॉक टिके। आज बाजार शुरुआती सत्र में कमजोर रहेगा, हो सकता है नीचे खोले, लेकिन अगर रिकवरी आ जाती है तो अपने सौदे को इनिशिएट कर सकते हैं। और जो बेचकर चल सकते हैं उसमें फिर से बैंकिंग स्टॉक ही होगा, आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें बिकवाली करने की सलाह होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एडीआर लगभग 2.5% कमजोर हुआ शुक्रवार में, गिरावट ही देखने को मिली थी घरेलू बाजार में भी। अब जो अगला टारगेट बैठेगा वो 315 से 318 की रेंज के लिए आप बेच सकते हैं और 333 ये शुक्रवार की क्लोजिंग के हिसाब से एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं, बेचकर चलें आईसीआईसीआई बैंक। चले, 4 शेयर बताए गए हैं, उसमें से कुछ शेयर खरीदारी के लिए हैं, कुछ शेयर बिकवाली के लिए हैं, लेकिन अब रुक कर लेते हैं आज के ई पेशर। देखिये ईपीएस शेयर के तौर पर जो शेयर मैंने चुना है वो है बाडीलाल इंडस्ट्रीज का। ये कंपनी आइसक्रीम कारोबार के अंदर तो है, डेयरी बिजनेस के अंदर तो है, साथ साथ पैकेज फूड बिजनेस के अंदर भी इस कंपनी का कामकाज है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में कंपनी का एक मेजर बिजनेस है और अपने जो टोटल रेवेन्यूज उनका 1/3 से ज़्यादा हिस्सा है मिडिल ईस्ट से भी कैप्चर करते हैं। इस कंपनी को चुनने की वजह एक तो नंबर्स हैं इसके, एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, अदर रोबस्ट नंबर्स कह सकते हैं कंपनी ने अपने पोस्ट किए हैं और मार्जिन फ्रंट पर भी करीब 4 से 5% तक का एक जंप आता हुआ दिखाई पड़ा है। एक अच्छी नतीजे और अच्छे मार्जिन इस कंपनी को एक सपोर्ट देंगे। वैसे भी अच्छी ग्रुप की कंपनी है, हिस्सा बिक्री को लेकर भी कई बारी खबरें यहाँ पे रह चुकी हैं। प्रमोटर का कुछ हिस्सा या प्रमोटर एंटिटी में से कुछ लोग जो हैं वो शेयर कंपनी से निकलने ही सोच रहे हैं। 850 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 788 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 795 रुपये शेयर का पीवीएस का भाव है। स्टॉक है वेल्सपिन कॉप, जिसपे आज खबर है उसका असर देखने को मिल सकता है, लेकिन कॉशियस ट्रेड करें क्योंकि बाजार शुरुआती सत्र में कमजोर होने के चांसेस ज्यादा हैं। यहाँ पर कंपनी को अमेरिकी बाजार में एक पाइप सप्लाई का ऑर्डर मिला है और जो क्वांटम है वो है $5 करोड़ का। ये नए ऑर्डर मिले हैं कंपनी को और इसके कारण जो कुल ऑर्डर बुक है वो 10,900 करोड़ यानी कि 11,000 करोड़ के आसपास पहुंचती हुई नजर आई है। वेल्सपिन कॉप के लिए एक अच्छी खबर है, 125 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, 136 से 138 तक के टारगेट वेल्सपिन कॉप पे देखने को मिल सकते हैं। चले मेरे तरफ से 5 शेयर हैं, एक एक करके सब पे नजर डाल लेते हैं क्योंकि मैंने अब तक सभी शेयर जो हैं वो खरीदारी के लिए ही चुने हैं। शुरुआत की है गॉडफ्रे फिलिप्स के साथ, नंबर्स आए हैं, नंबर्स काफ़ी साउंड आए हैं। वैसे भी पूरे सिगरेट स्पेस के नंबर्स जो हैं अच्छे थे, चाहे VST हो, ITC हो या गॉडफ्रे फिलिप्स हो। 860 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 825 से स्टॉप लॉस मेंटेन करें। डाल में भारत में करीब 2750 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 2625 से स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। IOC करीब 176 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 163 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1320 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 1240 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसके अलावा वाडीलाल इंडस्ट्रीज में आप खरीदारी कर सकते हैं, करीब 850 रुपये के टारगेट्स के लिए 788 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। पहला है टाटा मोटर्स, इसको बिकवाली करके चले। यहाँ पर टारगेट 235 से 240 की रेंज के लिए पहला होगा और उसके बाद स्लिप किया तो यहाँ पर बिकवाली और बढ़ सकती है। रैम के इंफ्रा और अशोक लेलैंड ये दोनों स्टॉक्स में खरीदारी कर सकते हैं। अशोक लेलैंड की सब्सिडी को एक ऑर्डर मिला है, उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और आईसीआईसीआई बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एडीआर कमजोर था शुक्रवार को, आज हो सकता है घरेलू बाजार पर बिकवाली देखने को मिले। 315 से 318 के जोन टारगेट के तौर पर सेट कीजिए आप। वेल्सपिन कॉप ऑर्डर मिला है कंपनी को $5 करोड़ का और इसका इंपैक्ट आज हो सकता है स्टॉक पे पड़े। बाजार संभल गया तो निचले सिरों से खरीदारी होने के चांसेस हैं। 125 का हालांकि आपको स्टॉप लॉस रखना है और 138 का लगाना होगा टारगेट। चलिए 10 शेयर बताए गए हैं अब तक और 10 के 10 शेयरों में से करीब 2 शेयर बिकवाली के लिए हैं, बाकी सभी शेयर जो हैं वो खरीदारी के लिए बताए गए हैं। अब देख रहे हैं फास्ट मनी और अब तक हमने आपको 10 शेयर बताए हैं। अभी अभी जो अपडेट है वो ये कि एशियन मार्केट्स के अंदर गिरावट थोड़ी सी और बढ़ी है,
करीब 3-3.5% निके अब नीचे काम काज कर रहा है। बाकी एशियन मार्केट्स के अंदर जो गिरावट है वो थोड़ी सी और फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ रही है, लेकिन करीब करीब 63-64 अंक नीचे एसएक्स निफ्टी भी काम काज करते हुए। तो मेजरली शुरुआती दौर में मान के चल सकता है कि बाजार में शायद एक गैप डाउन शुरुआत हो या हो सकता है थोड़े दबाव के साथ शुरुआत हो, लेकिन कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव है जो जरूर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, चाहे वो नतीजों के लिहाज से हो। 60 अंक नीचे अभी भी एसएक्स निफ्टी काम काज करते हुए करीब 11371 के आसपास का स्तर देखने को मिला है। चले जाते आगे, आप बताएं कौन कौन सी खरीदारी का एक सौदा हो यूनिवर्सल केबल्स, इसलिए क्योंकि पिछले हफ्ते तो रफ्तार पकड़ी थी यूनिवर्सल केबल्स ने, उसके बाद रिजल्ट्स इसने काफी बेहतर पोस्ट किया। और खबर यहां पर अभी आ गई है कि जर्मनी की कंपनी एनकेटी उसके साथ करार कर लिया है, अंडरग्राउंड केबल लगाने के लिए करार किया गया, एक अच्छी खबर है। और जैसे मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग सेटअप है पिछले हफ्ते का, हो सकता है इस हफ्ते भी खरीदारी ही देखने को मिले, नीचे मिल जाते तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन हम पिछली क्लोजिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस देते हैं तो 170 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस, 171-172 के ऊपर निकले तो तेजी बनाए। ये जो ग्रुप है ये ग्रुप ही काफी साउंड है, इस कंपनी में वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर आप विंध्या टेली लिंक की बात करें, पूरा ग्रुप एकदम से चल पड़ा था, कोई बिरला केबल कुछ, ये दोनों ही इनफैक्ट विंध्या टेली और बिरला केबल की प्रमोटर है कंपनी, पेरेंट कंपनी है, और इन वैसे भी बिरला ग्रुप ही कंपनी है तो अपने आप में ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। लेकिन इन दोनों कंपनियों के स्टेक की वैल्यू करीब करीब 500-550 करोड़ बैठती है, और जबकि इस पूरी कंपनी की वैल्यू करीब 400-500 करोड़ के आसपास बैठती है। बिरला केबल और साथ साथ विंध्या टेली की जो वैल्यू है वो 500 करोड़ के आसपास की है, जो कि इसके मार्केट कैप के हिसाब से इसके ऑलमोस्ट कारोबार के बराबर आ रही है। तो इसके जो अभी के भाव में बिजनेस का भाव है वो ऑलमोस्ट नील के बराबर है, तो अगर उसको भी ऐड कर देंगे तो इस कंपनी में अच्छा वैल्यू एक्रेडिशन दिखाई पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो अच्छी साउंड कंपनी हमने चुनी आज के लिए। चलिए तो 180-183 तक के टारगेट रखे हैं, लेकिन स्टॉप लॉसेस आपको आज के सत्र में तो सिंपली फॉलो करने ही है। ऊपर मिल गया तो ठीक है 172 के आसपास तभी अपने सौदे को इनिशिएट कीजिए, और 182-183 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बेचना है तो HDFC बैंक, परेश सुक्तांकर जी ने इस्तीफा दिया है, डिप्टी MD ने इस्तीफा दिया है, और बैंक के साथ 24 साल से जुड़े हुए थे, रिस्क मैनेजमेंट में तगड़ा काम किया और अब जाके इस्तीफा दे दिया, तो एक नेगेटिव न्यूज फ्लो तो है जिसका इंपैक्ट आज स्टॉक पे पड़ना चाहिए। और ADR में वो दिख भी रहा था, लगभग 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन HDFC बैंक की आज 9:30 सुबह कॉन कॉल भी है, देखना होगा कि उसमें क्या आउटकम निकल के आता है और क्या कारण बताए जाते हैं, लेकिन HDFC बैंक हो सकता है कि मुनाफा वसूली देखने को मिले, बहुत स्टेबल स्टॉक है, नीचे मिल गया तो इंस्टीट्यूशंस इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं, लेकिन टेक्निकली आज 2085 तक के टारगेट के लिए बेचें और 21:35 का एक छोटा सा लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, बिकवाली हुई तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल भी कर सकते हैं नीचे की साइड। चले मेरी तरफ से जो अगले दो नाम है उसमें एक नाम है टेक्समो पाइप का, पाइप कारोबार के अंदर ये कंपनी है, इसके नंबर्स आए हैं, नंबर्स के लिहाज से देखें तो पहली तिमाही में मुनाफा दोगुना हुआ है कंपनी का, और सिक्वेंशियल आधार पर भी कंपनी घाटे से मुनाफे के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है, तो एक अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, नंबर्स के लिहाज से आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, 17.5 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, 19.5 रुपये के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा IUL केमिकल स्पेस की एक कंपनी है, इसमें खरीदारी की राय दी जा रही है क्योंकि कंपनी का जो मुनाफा है वो करीब करीब 6 गुना बड़ा है सालाना आधार पर, और तिमाही आधार पर भी कंपनी के जो नंबर्स हैं वो साउंड हैं। एक हायर टैक्स का इस बारी कंपनी ने हायर टैक्स भरा, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे आते हुए दिखाई पड़े हैं। 121 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 112 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 114-114.50 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। चलिए अगला स्टॉक होगा वेदांता, और ये तो आज फोकस में है ही क्योंकि जो सबसे ज्यादा बिकवाली हो रही थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वेदांता के एडीआर में हो रही थी, लगभग 5.5% टूटा है शुक्रवार के सत्र में, तो आज कमजोर होगा, मेटल माइनिंग स्पेस में भी दबाव देखने को मिल सकता है, कारण यही है कि कुछ नर्वस जरूर होगा मार्केट आज शुरुआती सत्र में, और उसका इम्पैक्ट आज स्टॉक्स में सेलिंग के तौर पर देखने को मिलेगा। तुर्की की करेंसी में जो गिरावट है वो एक बड़ा ट्रिगर इसमें मार्केट समझ रही है, बेचे इसे 210 से 205 के रेंज के लिए, और 228 ये एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, 5% से ज्यादा तो ADR ही टूट गया। इसके अलावा खरीदना है तो अमराजा बैटरीज, यहां पर खबर यह है कि कंपनी को बैटरी प्लांट लगाने के लिए पर्यावरण मंजूरी मिली है, और 700 करोड़ रुपए का ये प्लांट जो है ये लगाने जा रही है कंपनी, जिसके लिए अब पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी है, जो नतीजे आए उसमें 19% आय बढ़ती हुई नजर आई, और एडजस्टेड मुनाफा जो लगभग 13% के आसपास बढ़ा है, EBITDA भी लगभग 14% बढ़कर आया है, तो ऑलरेडी सब कुछ फैक्ट्री ऑलरेडी हो चुका है पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके का मूव स्टॉक ने दिखाया, लेकिन आज अगर आप ट्रेड करना चाहें तो 818 का स्टॉप लॉस लगाएं, अगर 824 के ऊपर मिल गया तो ठीक, अपने सौदे को तेजी के साइड पे ही चुने, और 850 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस फॉलो कीजिए 818 रुपये।
मेरे दोस्त अगला नाम है आदित्य बिरला कैपिटल का। इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। खरीदारी की वजह भी कंपनी के जो नंबर्स हैं वो अच्छे हैं। करीब 26% इस तिमाही के अंदर कंपनी का मुनाफा बढ़ा है और आय फ्रंट पर भी करीब 32% के आसपास ही ग्रोथ देखने को मिली है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर दे रही है और लगातार ये चौथी पांचवी तिमाही है जिसमें नंबर ठीक है। थोड़ा कंसर्न जरूर रहा था कंपनी के म्यूचुअल फंड बिजनेस को लेकर लास्ट क्वार्टर के अंदर, लेकिन इस क्वार्टर में वो नंबर्स भी ठीक ठाक से दिखाई पड़ रहे हैं। 150 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। इनफैक्ट इसको आप रिवाइज 152 भी कर सकते हैं अगर आपको तेजी मिलती है गैप अप में तो, और 145 रुपए का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर 146-70 शेयर का प्रीवियस ईयर का भाव है। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो है जेट एयरवेज का। बिकवाली की राय है, मेरे से क्लौती बिकवाली की कॉल है। बिकवाली की वजह भी है कि DGCA ने कंपनी के फाइनेंशियल ऑडिट के आदेश दे दिए हैं। पहले कंपनी के प्रमोटर की तरफ से बयान आना कि वो थोड़ा कंपनी के जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उससे निराश है, फिर उसके बाद लगातार कंपनी के लिए जो एक बुरी दौर का खबरों का दौर है वो शुरू होना, और अब फाइनेंशियल ऑडिट की खबर। 263 रुपये के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। 280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 276 रुपये शेयर का प्रीवियस ईयर का भाव है। चलिए, लेकिन दो ऐसे स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में दमदार रिटर्न दिलाएंगे, आज के सुपरहिट शेयर्स देखिए। थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाएगा, बैंकिंग सेक्टर से है, लेकिन नतीजों के दम पे कॉर्पोरेशन बैंक यहाँ पर जिस तरीके के नंबर्स आए, एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसे नंबर पोस्ट करेगी, लेकिन NII के फिगर 1034 करोड़ से बढ़कर 1564 करोड़, और मुनाफे की फिगर कंपनी ने रिपोर्ट कर दी है 60 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़। अब इसको मुनाफे को ऐसे भी देखिए कि पिछले तिमाही में तो यहाँ पर 1838 करोड़ का घाटा था बैंक को, लेकिन इस बार 85 करोड़ का मुनाफा। हाँ, GNPA NNPA की फिगर अभी भी बहुत ज़्यादा है, 11.5% से ऊपर NNPA हैं और GNPA भी लगभग 17% से ऊपर के हैं, लेकिन नेट एनपीए में ड्रॉप गिरावट हल्की सी देखने को मिली है। इस बार 11.46% के नेट एनपीए रिपोर्ट किए। मुनाफे पे आ गए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ये बड़ा ट्रिगर है। कॉर्पोरेशन बैंक 30 का टारगेट रखें, खरीदें। 27.50 का एक स्टॉप लॉस स्टॉक के लिए आपको फॉलो करना होगा। मेरे दोस्तों का नाम है वो है इंडो अमीन का, एक केमिकल स्पेस की एक कंपनी है। कंपनी के सीक्वेंशियली नंबर काफ़ी साउंड आते हुए दिखाई पड़े हैं और साथ साथ कंपनी ने जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही बेहतर दी है। YOY में तो उसके नंबर अच्छे थे ही, इसी आधार पे ही खरीदारी की राय यहाँ पर दी जा रही है। 142 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 130 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 131-132 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। चलिए फटाफट से रीकैप देखते हैं। शुरुआत मैंने बिकवाली के साथ की है। अंतर्राष्ट्रीय संकेत कमजोर है, टाटा मोटर्स बेचकर चलें। यहाँ पर जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 238 का, 255 का स्टॉप लॉस। रैम के इंफ्रा, हो सकता है आज KKR बड़ी अनाउंसमेंट कर दे या फिर कंपनी की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट्स आ जाए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि KKR सब्सिडी में कुछ हिस्सा खरीद की खबरें जो है वो आ सकती है और उसका इंपैक्ट रैम के इंफ्रा पे देखने को मिल सकता है। अशोक लेलैंड एक और खरीदारी का सौदा होगा, ऑर्डर मिला है सब्सिडी को। ICICI बैंक 315 के टारगेट के लिए बेचें, 333 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, और खरीदना है तो वेल्सपन कॉर्प जहां पर ऑर्डर मिलने की खबर है उसका इंपैक्ट पड़ सकता है। यूनिवर्सल केबल जनरेटर की कंपनी के साथ एक टाइप किया है, अच्छी खबर है। और HDFC बैंक आज बेचकर चलेंगे तो 2085 से 2070 तक के टारगेट्स के लिए बेचें। वेदांता अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकवाली ADR में वेदांता की हो रही थी, आज बेचकर चलेंगे तो 210 से 205 की रेंज के लिए बेचें। अमराजा बैटरी स्टॉप लॉस है 818, टारगेट है 850। और कॉर्पोरेशन बैंक तिमाही दर तिमाही आधार पर बेहतर नतीजे, 30 का टारगेट रखें आज, 27.5 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। मेरी तरफ से 10 शेयर में से 9 शेयर खरीदारी के लिए हैं, 1 शेयर बिकवाली के लिए है। शुरुआत की मैंने गॉडफ्रे फिलिप्स के साथ, नंबर्स आए हैं, नंबर साउंड है। 860 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 825 से स्टॉप लॉस रखें। डाल में भारत करीब 2750 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 2625 से स्टॉप लॉस मेंटेन करें। IOC में 176 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 163 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1320 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 1240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। EPS शेयर के तौर पर मैंने वाडीलाल इंडस्ट्रीज चुना है, करीब 850 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 788 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्सपो पाइप अच्छे नंबर्स आए, सिक्वेंशियली भी YOY भी, करीब 19.5 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 17.5 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। IOL केमिकल 121 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 112 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल 152 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 145 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बिकवाली करें आप जेट एयरवेज में, 263 रुपये के टारगेट्स के लिए बिकवाली करें, 280 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और उसके अलावा सुपर हिट शेयर के तौर पर मैंने चुना है इंडोमीन को, करीब 142 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 130 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको करीब करीब 20 शेयर बताए जा चुके हैं और 20 में से जो 15 शेयर हैं वो खरीदारी के लिए हैं और 5 शेयर जो हैं वो बिकवाली के लिए बताए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी शेयर्स आज आपको अच्छा मुनाफा दें, लेकिन सभी शेयरों में अपने स्टॉप लॉसेस को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। मार्केट्स में हो सकता है थोड़ा सा आज एक मूव जो है नेगेटिव साइड पर भी आता हुआ दिखाई पड़े।